टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल फिजियोलॉजी। जनरल फिजियोलॉजी में आज जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम सेल का पढ़ेंगे। इसमें आज हम सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्री टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सेल हमारे पास क्या होता है? सेल हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ही सेल्स से मिलकर बनते हैं। जो सेल्स हैं वो कंबाइन होते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज जो हैं वो कंबाइन होकर आपके पास एक ऑर्गेन बना रहे होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेन्स हमारे पास रीजन में अरेंज्ड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम से फर्दर फिर पूरा एक इंडिविजुअल बन रहा होता है। तो बेसिकली जो लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास क्या है? सेल। All the living organism are composed of cell. A single cell is the smallest unit that has all the characteristics of life. Cell is defined as the structure and functional unit of the living body. इसकी characteristics क्या होती हैं? हमारे पास general characteristics पढ़ते हैं कि जो हमारी body में हर cell मौजूद होता है। Every cell in our body need nutrition and oxygen for their growth. प्रोड्यूस इट्स ऑन एनर्जी, अपनी एनर्जी ये खुद से प्रोड्यूस करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो खुद को रिपेयर करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज इनकी परफॉर्म हो रही होती है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, सेल अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबोलिक वेस्ट। सेल की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज्यादा हो जाएगी या मेटाबोलिक वेस्ट के अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो ये अपने ही प्रोसेस के थ्रू अपने ही सेल्फ पे एलिमिनेट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट को। मेंटेन्स द मीडियम, अपना होम्योस्टेसिस खुद ही मेंटेन कर रहा होता है, अपना एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को खुद ही ये मेंटेन करता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई जर्म पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है अगर वो सेल की बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये इमीडिएटली तौर पर रिस्पॉन्स करता है। रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन, सेल डिवीजन के थ्रू एक्सेप्ट ऑफ न्यूरोन। न्यूरोन सेल के अलावा बाकी जितने भी सेल होते हैं ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस लाइक माइटोसिस, मियोसिस, इन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव अ टॉपिक टिश्यू। अब जो सेल्स हैं वो कंबाइन होंगे, मिलेंगे, कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शंस। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। ये सारे टिश्यूज जो है ना फोर कैटेगरीज में या फोर मेजर टाइप्स में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम बेसिकली नाम देते हैं प्राइमरी टिश्यूज का। तो प्राइमरी टिश्यूज में हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज आ जाते हैं? मसल टिश्यूज, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। स्केलेटन मसल जो हमारे पास हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, स्मूथ मसल जो हमारे विस्लर ऑर्गेन के होते हैं जैसे कि हमारे स्टमक के हो गए, एंड कार्डिक मसल हमारे हार्ट के मसल्स। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं जैसे कि न्यूरोन और स्पॉटिंग सेल न्यूरोग्लिया में। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज में हमारे पास स्क्वेमियस, कोलमनार, क्यूबाइडल एंड एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है बहुत सी पूरी बॉडी में, इनका बहुत मेन रोल होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू लाइक कार्टिलेज, बोन और ब्लड में पाए जाते हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन। सो एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय टू और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। हमारे पास जितने भी ये फोर टाइप्स के प्राइमरी टिश्यूज होते हैं ना ये या तो इकट्ठे होते हैं, मिलके पूरा एक ऑर्गेन बना रहे होते हैं। ऑर्गेन की भी फर्दर आगे टू टाइप्स होती हैं, हमारे पास ट्यूबुलर और होलो ऑर्गेन्स भी होते हैं और कॉम्पैक्ट ऑर्गेन्स भी होते हैं। ये आगे हमने डिटेल पढ़नी है, उसमें फिर हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि होलो ऑर्गेन्स हमारे पास कौन से होते हैं और कॉम्पैक्ट ऑर्गेन्स हमारे पास कौन से होते हैं। कुछ ऑर्गेन्स की एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब हमारे पास ऑर्गेन्स हैं। अभी जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं इन्होंने इन सब का अपना अपना एक प्रॉपर फंक्शन होता है। ये ऑर्गेन्स अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम और प्रॉपरली फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एलिमिनेशन का प्रोसेस इसका होता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ऑर्गेन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास होता है
रिप्रोडक्शन का काम होता है, इसका एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास होता है, जितनी भी रेगुलेशन और मेंटेनेंस हो रही होती है लाइफ में, केमिकल्स की, हॉर्मोन्स की, ये सारा एंडोक्राइन सिस्टम ने कवर किया होता है। इसी तरह से डिफरेंट सिस्टम्स लाइक नर्वस सिस्टम वगैरह हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये सारे ऑर्गेन्स कंबाइन होते हैं, अरेंज होते हैं, और उनकी वजह से एक ऑर्गेन सिस्टम कंप्लीट बना रहे होते हैं, और फिर इन्हीं ऑर्गेन सिस्टम से पूरा एक इंडिविजुअल बन रहा होता है। डिफरेंट सिस्टम्स एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और पूरा एक इंडिविजुअल बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं सेल के स्ट्रक्चर की तरफ। जो हमारे पास सेल है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। उसके अलावा सेल बॉडी में हमारे पास दो चीजें पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। मतलब कि हमने जो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, इन तीन हेडिंग्स के अंदर पढ़ना है। ये जो आउटर लेयर है हमारे पास, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ये वाली, बिल्कुल जैसे इस नेम में मेंशन किया हुआ है, ये आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गेनेल्स मूव कर रहे हैं, ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म। और ये जो बीच में ब्लू वाला रीजन है हमारे पास, इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। तो हमने इन तीन के अंदर, अब अगर साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेल है, तो जब हम साइटोप्लाज्म का रीजन पढ़ेंगे तो हम उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट करेंगे। सो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास प्रोटेक्टिव शीट होती है, जिसने सेल बॉडी को कवर किया होता है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि इसने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और इंट्रा सेलुलर फ्लूड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो सेल बॉडी से आउटसाइड होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूड जो सेल बॉडी के अंदर होता है, इन दोनों फ्लूड्स को सेपरेट किया होता है। जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि इसके अंदर पोर्स मौजूद होंगे, जो जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और इंट्रा सेलुलर फ्लूड के दरमियान में जो एक्सचेंज होना होगा पार्टिकल्स का, सब्सटेंस का, उनमें हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की हमारे पास थिकनेस क्या होती है, 75 to 111 AA। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किन चीजों से मिलकर बनी होती है, 55% ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनी होती है हमारे पास प्रोटीन की, 40% हमारे पास होती है लिपिड की, एंड 5% हमारे पास होती है कार्बोहाइड्रेट की। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं, तो हम सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं और थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग, जो हमारे पास सेल, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि एक हमारे पास सेंटर लेयर होती है और टू हमारे पास एक अपर एंड लोअर लेयर होती है, लाइक अ सैंडविच। और जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, तो उसमें कहते हैं कि जो सेंट्रल लेयर होती है वो इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर होती है, और जो हमारे पास बाहर दो लेयर्स बन रही होती है उनका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर ने सेंट्रल लेयर को कवर किया होता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल लेयर होती है वो हमारे पास लिपिड की लेयर होती है, लिपिड सब्सटेंस से बनी होती है, और जो अपर टू लेयर्स होती हैं वो हमारे पास प्रोटीन की लेयर्स होती हैं, और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जब जब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की जा रही थी डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से मॉडल आए थे। फर्स्ट वन मॉडल हमारे पास आया था डेनी इलाई डेव्जन मॉडल। डेनी इलाई डेव्जन मॉडल में उसने एक्सप्लेन किया था कि सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ सैंडविच ऑफ लिपिड, कि आपके पास सेंटर में लिपिड पड़ा हुआ है और अपर टू लेयर्स जो है वो आपके पास प्रोटीन की है, सैंडविच ऑफ लिपिड, लिपिड कवर्ड बाय द प्रोटीन ऑन द बोथ साइड्स। फिर हमारे पास मॉडल आ गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये हमारे पास स्टडी हुई थी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी थी ये हमारे पास, जिसमें हमें इसको नाम दिया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो हमारे पास सैंडविच मॉडल था ना, उसमें कहा गया था कि ये बिल्कुल लेयर्स बनी हुई है, कि आपके पास पहले प्रोटीन की लेयर है, उसके ऊपर लिपिड की लेयर है, और देन उसके ऊपर अगेन प्रोटीन की लेयर है, ये लेयर्स की फॉर्म में है। फिर हमारे पास आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल में हमारे पास एस जे सिंगर एंड जी एल निकोलसन थे, जिन्होंने इस चीज को प्रूफ किया था कि इसमें लेयर्स नहीं बनी होती, बल्कि जो हमारे पास प्रोटीन है ना, लाइक मोज़ेक पैटर्न हमारे पास कौन सा होता है कि अरेंजमेंट हुई हुई है डिफरेंट पार्टिकल्स की, या बिल्कुल ओपनली वो पार्टिकल्स जो है ना स्प्रेड हुए में पूरे सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो ये हमारे पास पूरे सेल के रीजन के साथ। तो हमारे पास इसने प्रूफ किया था कि इस मॉडल के अंदर लेयर्स नहीं बनी होती है, बल्कि जो आपकी प्रोटीन होती है वो फ्लोटिंग फॉर्म में होती है लिपिड लेयर के ऊपर, तो इसमें हमारे पास लेयर्स नहीं बनी होती है।
आज हमने इतना ही डिस्कस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिपिड लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू।